रजत फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा मंडला में युवा मूर्तिकारों का रजत शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रसिद्ध युवा मूर्तिकार शिरकत कर रहे हैं। इसका शुभारंभ मंडला सांसद व केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। फग्गन सिंह कुलस्ते ने युवा मूर्तिकारों से बातचीत कर इस कला की गहराई को जाना व रजत फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऐसे विभिन्न आयोजनों की सराहना करते हुए मूर्तिकार शिविर की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन देश से विदेश में मंडला का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह मंडला के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने सभी मूर्तिकारों से रूबरू होकर हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि इस बीच बस्तर से मूर्तिकार धर्म नेताम, अमरकंटक से जयपाल सिंह टेकाम, खैरागढ़ से उमेश कुमार नेताम, महाराष्ट्र से दिनोघाटा, आंध्र प्रदेश से पीएस राव, दिल्ली से दीपिका गौतम, असम से अशोक ब्रह्मा, रायपुर से जितेंद्र साहू, रायगढ़ से करुणा सरदार, चित्रकूट से रामेश्वर प्रजापति सहित मंडला से जयदत्त झा, अनुराग चौरसिया व रजत फाउंडेशन से सिविल के संयोजक योगेंद्र त्रिपाठी, आशीष कछवाहा, मनोज द्विवेदी, दीपमणि खैरवार सहित अनेक कला प्रेमी उपस्थित रहे। योगेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि यह शिविर 5 जुलाई से निरंतर 12 जुलाई तक चलेगा, जिसमें मूर्तिकार पत्थर को तराशेंगे। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों से इस शिविर में शामिल होने का भी आग्रह किया है। मीडिया टुडे के लिए पूजा जोशी की यह खास रिपोर्ट। युवा मूर्तिकारों का रजा शिविर हमारे योगेंद्र जी ने आज 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक ये पूरा शिविर चलेगा और जितने भी हमारे जो कलाकार हैं विशेष तौर से नक्काशी के क्षेत्र में और ये जो चित्रकार जो बनाते हैं उनको पत्थर को लेकर उस पर नक्काशी करना, तो राजा जी का जैसा ये पूरा अभी तक का एक पुराना अनुभव रहा देश में, धीरे धीरे इसका काफ़ी एक प्रकार का प्रभाव उनके जो कार्यक्रम हैं उसको लेकर के बहुत आज दुनिया में ये नाम चलने लगा और मुझे लगता है कि इससे मंडला का नाम काफ़ी ऊपर हाइट तक जाएगा इससे। और मैं तो हमारे कलाकार हैं विशेष तौर से योगेंद्र जी और उसकी पूरी टीम को जो अलग अलग है देशों से वो प्रदेशों से, नॉर्थ ईस्ट से भी लोग हैं, साउथ से भी लोग हैं, सेंट्रल इंडिया के हैं हमारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के जो हमारे कलाकार हैं बहुत उत्साहजनक काम करते हैं। और मैं तो कहूँगा हमारे मंडला के लोगों को भी और जितने भी इस क्षेत्र में जो जुड़े हुए जो लोग हैं कलाकार हैं वो भी आकर के इसमें सहभागिता निभाएं, ज़रा देखें कि इसको और कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का प्रयास योगेंद्र जी कर रहे हैं, मैं तो इस काम के लिए आज शुभारम्भ के अवसर पर बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ योगेंद्र जी को। आप सबको भी धन्यवाद।